जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है तमाम नाजरीन दा। मैं तुहाडा सज्जन मित्र दोस्त अरबाज सादिक, ते तुसी वेख रहे हो कबूतरबाज़ी एक फन यूट्यूब पेज। ते अज असी लाइव होए हां उस्ताद नूर अहमद जवेद, उस्ताद राणा नूर अहमद जवेद उर्फ उस्ताद जोजी साहब को, और धर्मपुरे दी माशाल्लाह मशहूरो मरूफ शख्सियत ने, रिकॉर्ड्स इन्हां ने बनाए ने कबूतर परवरी दे विच, ते कमाल दे लैजेंड आदमी होए ने कबूतर परवरी दे विच। असी इन्हों का बड़ा नाम सुनिया सी, ते साडी ख्वाहिश सी कि इन्हां को हाज़र होइए, इन्हां दा इंटरव्यू करिए, इन्हां दे कबूतर दे मुतालिक जानिए, इन्हां को सीखीए कि कबूतर परवरी की चीज़ है, कबूतर परवरी किस तरह करनी चाहिए है। तो मैं हुण चलांगा उस्ताद नाल, ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा तुहाडा दोस्तां दा, ते हुण उस्ताद नाल चलिए। अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम सादे मोहतरम, की हाल चाल है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। नाल भरा बैठे, दोस्त बैठे, सब दा तारीफ करवाओ जरा। ऐ मेरे छोटे भाई ने, ऐ मेरा बेटा है, ऐ भी मेरा भाई है, मामू का बेटा है, ऐ भतीजा है मेरा, ऐ मेरा मामू का बेटा है, वह भी भतीजे बैठे ने उधर। माशाल्लाह जी, वह भी भतीजे बैठे ने सारे उधर जी। क्या बात है, सारे भतीजे ने, तीनों चारों भतीजे ने, एक बेटा बैठा उधर। बाहरों कोई कबूतरबाज नहीं है, असी आप ही कबूतरबाज हैं, आप ही असी शिगिर्द, आप ही असी उस्ताद हैं। क्या बात सादे मोहतरम, तुहाडा माशाल्लाह बड़ा नाँ है, तुसी साडे इस धर्मपुरे दे या मुस्तफाबाद इलाके दे ब्रांड पाए जांदे हो, किस तरह आगाज किया कबूतरबाजी का? मेरे वाला साहब ने घर कबूतर रखे सी सुराजी लक्के, लक्कियां कबूतरां दे विच किसे दे कबूतर आ गए बाहरों दो, तो वह साढ़े को उड़न लग गए। तो मैं 60 दी मेरी पैदाइश है, तो सन 74 दे विच मैं स्कूलों भज जांदा सी क्लास दे विचों, तो मैं फिर वह कबूतरां दे मगर लग गया। उस राजियां दे नाल दो चार कबूतर बाहरों आए, उन्होंने मैं कबूतरबाज बनाता, बस वो मैं सवेरे उड़ा देने तो चले जाते, मैं कहना दरबार चले गए, लेकिन वो जो मैं स्कूलों आना दो चार घंटे बाद तो उन्होंने आ जाना। अच्छा, उत्तों फिर मेरा आगाज हो गया सन 74 च कबूतरबाजी का मेरा आगाज होया जी। उस तो बाद फिर मैं दवाइया कबूतर उड़ान का किसी दोस्त नाल मेरा टाकरा होया, सियाणा दोस्त उधरा मेरे तो सियाणा सी, उन्हें कहा जी जिहड़े दवाइया कबूतर उड़ाते हैं ना बहुत वड्डे उस्ताद ने। अच्छा, वह है ने उस्ताद फियो सिदरे। हाँ जी, सन 74 दे विच मेरा उन्होंने नाल उस दोस्त की वजह नाल मेरा उन्होंने सलाम दुआई है, तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मैंने कहा काका पढ़ लिख पुत्र तू कि गमी लगन लगा है। मैं उन्होंने कहा उस्ताद जी मैं तो हूँ बिगड़ गया अजे कबूतरबाजी। अच्छा, हूं तो मैं कबूतर मेरे दो दो तीन तीन चार चार घंटे उठते हैं, मैं कोई ऐसी दवाई दसो जिन्हें, उन्होंने मैं उस वक्त तीन चार दवाइया दसिया सी जिन्हों आके मैं फिर अपने इलाके के छोटी उम्र च कबूतरों ने देनिया शुरू करती हैं, जितों कबूतर जोड़े थे ना उस वक्त सवेरे स्कूले जान लगे से उड़ा के जाते थे, जो अभी 3 बजे 2:30 बजे स्कूलों आते थे तो उस वक्त वो आ रहे होंगे। माशाल्लाह जी, इस तरह फिर मेडिसन का ना मैं फिर आगाज शुरू कर दिता, तो उस तो बाद फिर लाहौर के कबूतरबाजी करते करते अजा टाइम आ गया जी, तो कई रिकॉर्ड कई अच्छे रिकॉर्ड पैदा किए, फिर इन मैं प्रोफेसनल कबूतरबाजी शुरू करनी शुरू कर दी। सही शुरू से घर आलो मजामत हुई, कोई डांट डबट हुई? बस स्कूल तो कहते पढ़ो जरूर, कबूतरबाजी करनी जो मर्जी करो लेकिन स्कूल जरूर जाओ, स्कूल जरूर जाओ। सही, माशाल्लाह तुसी कप मैं पहले नाजरी नु वहाए ने, मैं चाहवांगा दसो किस के सन च कदों कदों तुसी चैंपियन होए या की कप? बिगड़े सारे काम बनांदा अल्लाह ए, वाह वाह वाह, बिगड़े सारे काम बनांदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए। क्या बात है, हुण मैं चाहवांगा करो जरा शेयर अब तुहाडी जर्नी है जिहड़ी कप्पां दी हैगी है। जो ए सर, इक्को दिन 2013 दे विच फाइनल उड़िया है लाहौर कप, लाला फरीद खान, शेख हिंदी, तराब हैदर, नयाब हैदर का कप, ते ऐ वाला 11-12 कप, ते इलाका वेज 12-14 कप, ये 11 मोटरसाइकिल इक्को ही दिन मैं विन कीतियां जी। इन्हां नाल मैं 82 घंटे बनाए ने, मेरा पहला कबूतर 5 बजे बैठा भाइया। वाह,
ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 6 ਕਬੂਤਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ! ਤੇ 82 ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, 2 ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਛੱਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਮੰਨੀ, ਮੰਨੀ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1992 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਡੱਕਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਈ ਸੀ 1992 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। 92 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ 1992 'ਚ 5-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਡੱਕਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ! ਅਤੇ 92 ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ! ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 11 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜੇ ਚੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਵਾਰ, ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਆਰਾਮ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2 ਤਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਵਾਹ! ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਸ਼ੁਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਲਸਪਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤਮਾਮ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਜਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 1990 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 1990 'ਚ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲ ਮਰੂਫ ਹੈਂਟਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵਾਹ! 1990 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਸੂਰ ਜਾਲ ਬਣਾਏ, ਕਰਾਚੀ ਬਣਾਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਣਾਏ, ਸੱਖਰ ਬਣਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਲ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ਸਰਵਰ, ਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੋਹਰ ਲਵਾਓ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਲਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੱਗਰ ਸੀ, ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਚੀਨੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਕ ਸਲੀਮ, ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਵਾਹ! ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ 2003 'ਚ। ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ, ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ, 7:10 'ਤੇ, ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 8 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਬੈਠਾ। 2 ਘੰਟੇ 70 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ 68 ਘੰਟੇ। ਓਏ ਓਏ! ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਤਵਾਰ ਵਾਲਾ,
तीसरे इतवार जी जी पहला कबूतर मेरा जाती अपनी छत इस मनी की छत है जितों मैं यार बारह लाला फरीद खान दुबई कप से छेक हिंदी कप जे वे वे कप लाहौर के उडे ने तमाम मैं जितया वह मेरा पहला कबूतर बैठा सी 3:40 के बाकी मेरे सारे 6 बैठे से और मेरे 82 बने से अज तक लोग लाहौर के कबूतर बाद बहुत झूठ बोलन लग गए ने मैं 5 किलो मिठाई वो घर पहुँचावगा उस कबूतरबाज के घर जिन्हें तीसरे इतवार विसाख के लाहौर कप के फाइनल सैमीफाइनल या वैसे प्याबाजी जी नहीं मैं कह रहा मैं फाइनल की गल कर रहा फाइनल होर हों बाजिया डाणिया होर गल हूँ फाइनल के किसी ने कबूतर ने 7 कबूतर ने 82 अबूर किए हो मैनू जरूर दसे या मेरे किसी एंकर दसे टीवी वाले मैनू दसन तो मैं उन्होंने 5 किलो मिठाई वो घर पहुँचावगा। वाह जी वाह। 2003 तो लैके हले तक कोई लाहौर के कबूतरबाज ने रिकॉर्ड नहीं बीट किया उस तो पहले तो मेरी याद है किसी ने बनाया ही नहीं सी। सही अगर तुहाडे कबूतरां वल वेखी जाए तो कोई खास कबूतर जोड़े रखे नहीं। हाँ जी मैं जी 3 कबूतरबाजा पाकिस्तान के तरीक साज कबूतरबाज 3 कबूतरबाजा लाइक करना 2 मेरी दफ्ते ने एक मेरे मामिया का भरा बनया है मेरा भी वह दोस्त है बहुत अच्छा मेरे घर का फर्द है वह भी एक तो मेरी बरादरी का है जी कबूतरबाज राणा असमत अली कुकू साहब वो मेरी बरादरी भी है तो मेरे वो दोस्त भी ने बहुत अच्छे मेरी दफ के सरबराह भी ने एक तो भाई उन्होंने कबूतर की टैडिया की कबूतर वजह न मैं ए सारे मार्ग अंजाम दिता जी। दूसरा मैं कबूतरबाज जे बहुत अच्छे कबूतरबाज ने लाहौर के उन्होंने कबूतर है जी नशेल अंसार खां लाल खां उन्होंने कोई जोड़ नहीं पाकिस्तान एवं मैं बाहर दूर तक मेरे दोस्त सुन रहे होंगे अगर तुम कि पैसे खराब करने भी ने तो इन्हों कबूतरबाजों के पैसे खराब करो। तीसरा वर्ल्ड चैंपियन होया जी मेरा यार दे कबूतर वर्ल्ड चैंपियन होए ने मोना साहब दुबई वाले सियालकोट दे मोना पार्टी के कई कबूतरबाज चैंपियन होए ने मोना आप भी वर्ल्ड चैंपियन होया मेरे यार दे मेरे भरा दे कबूतर नाल होया जी कौबट के कबूतर नाल वैशियां नाल जौंसरियां नाल ते ओ दुबई तकर की उन्होंने भाजी लोया मनवाया बहुत अच्छे कबूतर ने भी 3 घर कबूतर मैं शूट करते हैं और 3 घर मेरे अपने ने 2 मेरी दफ नाल मेरा तलक उन्होंने एक मेरा भरा दोस्त है मेरा भाई है वड्डा मेरा। सर जी साडा क्योंकि मीडिया ने तालुक है तो सानू अक्सर कमेंट भी आते रहते हैं तो एक भरा है मकसूद अलीम इंज करके ना से उन्होंने तो उन्होंने पूछ रहे थे कि कबूतर की तैयारी किस तरह होनी चाहिए। कबूतर की तैयारी के मतलब देखो भाई मैं तुम्हें जरूर दसा जेड की गल कर उस तो पहले इंशाल्लाह ताला जी मैं अज तक कभी मैं कोई भी मेरी ट्राफियां पई असू की कोई ट्राफी नहीं गई असू की कोई ट्राफी नहीं है सारिया विसाख दी तीसरी इतवार दी ट्राफियां ने 22 साल तो एज ए प्रोफेसनल कबूतर मैं डा रहा है मुआवजा लैके दूसरे शहर। अच्छा पिंडी के मैं सब तो पहले पिंडी गया भाई मैं कबूतर डाण वास्ते मलक हफीज साहब की छत अल्लाह नू प्यारे हो गए ने हुण मलक साहब है नहीं मलक हफीज साहब उन्होंने बेटे है मलक बली ते मलक अदनान वो इस वक्त मेरी वजह नाल मैं जो उन्होंने कबूतरबाजी जाग उत्थे कीती है उत्थे भी कई रिकॉर्ड लाए 11 कबूतर 11 बाजियां जेठ दियां पहला कबूतर 6 बजे ते आखिरी कबूतर 8 बजे 11 पूरे हो गए ने। अच्छा उस तो बाद छत हौली हौली 11 छतां जित लिया 22 छतां जित लिया 15 जित लिया 11-12 साल उत्थे मैं कबूतरबाजी की है वो इस वेले छत पिंडी की चैंपियन छत है 7-8 दफा पिंडी चैंपियन हो चुकी है जी भाई। वाह एक तो मेरी छत है दूसरी मैं ओवरसीर सारे कबूतरबाजों जेड़ा मन सुन रहा है मेरी गल जरा गौर ना सुनना जरा बड़ी प्यारी गल है तो कम की गल है ए लोग उस्ताद हजरात जो लाहौर के माया नाज उस्ताद ने उन्होंने की ट्रेंड चलाया है कि 15-15, 50-50, 100-100 शिगिर्द कर लेंगे ने कोई मिठाई लैके आ रहा कोई बदम लैके आ रहा है तो दसना दसाना उन्होंने कुछ नहीं गा उन्होंने ना उन्होंने कोई दाना पानी दसना ना गल ना कोई बात बस उन्होंने नौकर बनाया होंगे मैं उन्होंने कबूतरबाजों वास्ते चाहे मेरे नाल उन्होंने तलक हैगा या नहीं है मेरी दफदे हो चाहे मुखालफ दफदे हो मेरे नाल राबता करन मैं अपने शहर बुला लेन मैं उन्होंने मुकम्मल कबूतरबाजी का कोर्स सिखावगा जेठ की। वाह उन्होंने कबूतर भी उड़न गए अगर जी वो नहीं मेरे को आना चाहते तो फोन से मेरे नाल राबता कर लैन जो फोन से भी राबता नहीं करना चाहते तो मेरे को आके हूँ असू वास्ते विसाख वास्ते चेत्र वास्ते प्यार वास्ते फ्री दवाई मेरे को लैके जा इंशाल्लाह तला कबूतर शाम 4-5 बजे तो बाद बैठेंगे माशाल्लाह पूरे जो ओवरसीयर कबूतरबाज ने मेरे दोस्त जो बाहर बैठे जापान इंग्लैंड दूसरे मुल्कों के लोग यहोजे कबूतरबाजों को बचन
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਣਗੇ ਖੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਗੇਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਟੱਠੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-16 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ 74 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੀਓ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਸਤਾਦ ਫੀਓ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾ ਸੀ ਕੋਰਾਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਉ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਉ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਲ ਮਖੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋੜ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਨਸਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜੋੜ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜੇਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸੋੜੇ 12-12, 15-15 ਦੁੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 3 ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰੀਆ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਟੈਡੀ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਟੈਡੀਆਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਰਾਣਾ ਅਸਮਤ ਅਲੀ ਕੁੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿਨਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 10 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ 41 ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋਈ 38 ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ 10 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਨਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੀਸਰੀ ਤਵਾਰ ਉਡਾਓ ਸਾਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਾਂਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੈਲਡਨ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੂ ਕੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀ ਚੇਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਅਸੂ ਉਡਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 90 ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ 80 ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2016 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 21 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਬਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ 12 ਹਾਜੀ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਪਈਆਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 205 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 21-20 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ 205 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ 20 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਗਈ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਦੀ 6:30 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 18 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 205 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਅਤੇ
उम्र कटती तुसी कबूतरबाजी करते करते तुसी अपनी लाइफ दे विच सब तो जो मैं कहांगा टॉप दा डवैया किनू समझदे? मैं जी अपने दादे साल नू कबूतरबाजी च टॉप दा डवैया समझदा, इस करके कि उन्हें मेरे नाल 24 साल मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खराब करके और 24 साल बेलॉस 24 साल मैं एक बार भी नहीं पूछा साहब जी मैंने दसो है की है। उन्हों का नाम से साहब जी 1984 तो लैके 90 तक मैं PIA दे विच अंदर लोडर सी, 12,000 रुपया मेरी तनखा सी, मैं नौकरी छड़ी भाई जान। 15 साल पाकिस्तान रेलवे खेडी मैं एज ए फुटबॉलर, मैं रेलवे छड़ी भाई जान। उस तो बाद दो दुकाना वो भी स्पोर्ट्स ते मकैनिक की दुकान सी, मेरे को दो दुकाना मैं छड़ियां शौक दे पिछे। तो मैं उन्होंने बुजुर्ग दोस्तों के नाल मतलब के नाल 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 24 साल खराब किए। उन्होंने नाम है यकूब साई, ग्वाल मंडी दे गए सी ते उस्ताद मनीर दे शगीर सी, पड़दादा साद है उस्ताद मनीर मेरा, वो मेरे दादा साद है। उन्होंने कोल मैं सारा जेठ का हुनर सीखिया, तो जिहड़ा कि मैं 20-22 साल दूसरे शहर जाके दूसरे लोगों के कबूतर डा के उन्होंने सुरखरू किया है। हुण मेरे को जिहड़े बैठे ने इन्हां को फोटो मारो, इधर तस्वीर लाओ, छोटे तो लियाओ, जरा निके तो है। मेरा सब तो छोटा बैठा भतीजा है, उसके नाल भी मेरा भतीजा बैठा है, उसके अगे भी तीसरे नंबर से भतीजा बैठा है, चौथा भी मेरा भतीजा बैठा है, अगे आओ ट्राफियां तो इधर। यह मेरा भाई बैठा छोटा, यह मेरा बेटा बैठा है, यह मेरा भरा बैठा चाचे मामे का पुत्र है, यह भी मेरा भतीजा अगे चलो, यह भी मेरा मामे का पुत्र है। हूँ मैं अपना शौक सारा इन्हों दसना चाहना, तो इन्हों दसागा इंशाल्लाह ताला। बार मैं हुक्म कर दिता सारे आर्डर लाता है, जिहड़ा मेरे को आएगा इंशाल्लाह ताला उन्होंने मैं पूरी कबूतरबाजी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ताला मात नहीं खाएगा किसी को, हरेगा पता किस तरह, जे अगले का 6 बजे बैठेगा ना तो 10 मिनट घट 6 बैठेगा, इस तरह हरेगा। वाह 10-15 मिनट इस तरह नहीं हरेगा कि जी मेरे दसे कबूतरबाज के कबूतर 12 बजे 1 बजे बह गए। इंशाल्लाह ताला पहला कबूतर 2-2, 2.5-2.5 बजे बैठे करेगा। यह प्यारे हैं विशी जे प्यारे उठते पे वसाख वसूख के, तो जो फिर वो जेठ की कबूतरबाजी करेगा तो उन्होंने जेठ की कबूतरबाजी का भी पूरा प्रोसीजर सिखावे। जिहड़ा भी कोई सीखना चाहता है मेरे को फोन से मैं इनवाइट कर लिया अपने शहर, कोई 2 दिन 10 दिन 5 दिन मैं उन्होंने हर चीज तहरीरी दसागा इंशाला तला। क्या बात, तो सही थोड़ा नंबर भी असं लोगों शेयर करने, मैं चाहवागा अपने मुँह तो भी दस। हाँ जी मेरा नंबर है जी 0321-4310-795, 0321-4310-795 ये मेरा नंबर है, जो 24 घंटे खुला होंगे अल्लाह की रहमत नाल। मेरे नाबता करो, मेरे को फीस बिल भी सीखो, जो बंद गरीब आदमी है जो नहीं 10-100 हज़ार रुपया भी नहीं खर्च सकता, 500,000 भी नहीं खर्च सकता, मेरे को फ्री और फ्री है। वाह पर मेरा रबता जरूर करे इनशाला तला, यह खरा सच तो सच्चा सौदा दे भाई जान। क्या बात है, खरा सच तो सच्चा सौदा जे भाई जान, सुचा सौदा एर झूठ कोई नहीं गा। कोई भी मेरी गल फिर लाहौर के पूरे पाकिस्तान के कबूतरबाज कोई मैं यह नहीं कह सकता, कोई बंद एक आगे मैं कह दे मैं किसी दिन नर लै आया जोड़िया वास्ते मादियां लै आया, मैं मेरे को शौक नहीं है ना मैं अज तक किसी ने भला काम किया। मैं सिर्फ पहली बारी तो आखिरी बारी कबूतर लए ने कौबट को, पहले लए थे राणे को, राणे असमत अली कुकू को मेरा भाई है, उतो मैं कोई इनकारी नहीं की। मेरे दूसरा घर मेरा राणा कुकू है, उतो भी मैं भट साहब ने कौबट साहब उतो भी मैं कोई इनकारी नहीं की। हूँ मैं 20-22-25 साल के अरसे तो बाद दोबारा अपने घर कबूतर रखे ने, इंशाल्लाह तला उम्मीद है कि दोवें कबूतरबाज मेरी रहनुमाई करनगे ते मैं मेरे नाम नू ते अपने दोस्ताने नू ते बरादरी नू इंशाल्लाह तला कायम दायम रखणगे, इंशाल्लाह तला मेरी उम्मीद है। मैं अजब साहब जी दो शोभे आते हैं, एक आंदा है शोभा ब्रीडिंग का, एक शोभा आंदा है उड़ान का। उड़ान का तो मैं थोड़े को पुछ लेता कि किनू तुसी मानते हो, ब्रीडिंग विच किनू मानते हो? ब्रीडिंग दे विच देखो जी उस्ताद यकूब साई ने एक जोड़ा रखिया सी अपने घर, तो एक जोड़े नाल ही उन्होंने भैन मीदा भट्ट मीदा भलवान सी किला गुजर सिंह का, इस तरह ही अच्छा धोबी सी अशरफ उस्ताद अलमरूफ धोबी, वो इत्थे म्यू गार्डन दे ने। इस तरह ही साडे इलाके दे कबूतरबाज ने मलक राशद डोगर साहब, ये सारे उन्होंने कबूतरां नाल कबूतरबाजी करते रहे। कबूतर बहुत लंबे उठते सी, वह कबूतर सी चीने, तो उन्होंने को मैं फन सीखा कबूतर जोड़े लाने का। लेकिन हूँ तो भली सौ भली दुनिया आते, देखो जी तुम एक कट्ठ करते हो ना कप का इनाम देना से, उत्तर 200 बंदा शिकरती उस्तादी उस्ताद बना देंगे हो। हूँ तो उस्तादा चाहिए उस्ताद बनाने जरा बंद करो, कोई उस्ताद उन्होंने बनाओ जिन्होंने उस्तादियों के वल भी सिखाओ नाल।
बस यह गल है कि हले हूँ कबूतरबाज बहुत ज्यादा हो गए हैं, हूँ हर बंदा तो कबूतरबाज है। एक बार आंदा फील्ड के दूसरी बार नज़र नहीं आता। इस करके किसी का मैं तुम्हें की दसा कि ब्रीडिंग ला, हर बंदा कोई जोड़े ला रहा जी, हर बंदा नस्ला बना रहा। लास्ट टाइम साहिल लाहौर च कदों तुसी डाया सी जेठ? जेठ की मैं बाजी डाई है जी लास्ट टाइम पाए 2017 च रावल पिंडी च पाए। जेठ लाहौर च मैं नहीं डाया। अच्छा लाहौर च कभी नहीं डाया? राणे राणे नाल मैं राणे की छत मैं जाना, सिर्फ मैं होर किसी छत नहीं जाता। या मैं सहेल सार खान की छत जाना या मैं राणे की अपनी दफ्तरी छत दोवे जाना, मैं जो भी जाना और मैं किसी छत नहीं जाना। अच्छा तो सर जी, अच्छा उस्ताद तो को कबूतर क्यों नहीं इन्ने है अक्सर छत्ता जाए? मैं इस कबूतर मानता ही नहीं कि 100 कबूतर चंगे होंगे या 200 कबूतर चंगा होंगे। जो चंगे होते उस्ताद जी 300-400-400-800 कबूतर क्यों पुटो? मैं ना झंडी के अगे डंडे के अगे झंडा बनया है तो झंडा जो झंडी मारी गई है ना कबूतर तो वो कबूतर चाहे टैडी हो चाहे गोल्डन हो चाहे वह दुम्मा वड्डिया वाले हो चाहे जोड़ खुली वाले हो जो उठते हैं ना उन्होंने जो कबूतर 5-7 घंटे गर्मी जेठ हाड़ के महीने बच्चा करके आंदा मैं उन्होंने कबूतर मानना। बाकी मैं किसी के कबूतर नहीं मानता। वर्ल्ड चैंपियन कबूतर यही हुए ने सेलसार खां दे ला रखे या राणे कुकू वाले टैडी या अपने बट साहब वाले ये वर्ल्ड चैंपियन कबूतर ने। इन्हों लिया के तुम उड़ाना नहीं पैंता, तुम गजाना नहीं पैंता, उड़े उड़ाए गिजे गिजाए कबूतर ने। सही बाकी कबूतर उड़ाना पैंता, उड़ा के देखना पैंता चंगा कि 200-250-500 कबूतर बाद मेरे भरा कबूतर पुटते हैं। फिर उन्होंने 7 पप्पा ने, 7 नहीं होंगे उन्होंने को दो पिछो 70-80 कबूतर सैड से कर देंगे, कहते नकारे ने माँ प्यो उन्होंने कोल ही होंगे फिर भी नकारे। जो उन्होंने समझ ही होनी हड्डी देखण की पर देख के पता लगता हो चंगा है तो फिर भाएं 50 कबूतर चंगे वेख के पुट लिए असी मादिया नर से असी उड़ा लीए। नसल वाइज कबूतर चंगा होंगे, ब्लड वाइज, ब्लड वाइज तो नसल चंगी है। कसूरी होना चाहिए या सियालकोट ही होना चाहिए या फिर ए होने चाहिए ने सियालकोटा जे आए ने वैशी वैशी, ये भी सियालकोटी कबूतर चो ही बने ने। ठीक हो गया सही। लास्ट सवाल, कबूतर नूं किस तरह संभालना चाहिए? अल्लाह के फजलो करन में जो मैं किसी भी भैन भरा अपने कबूतर संभालन का वल दसागा ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत नाल उस्ताद जो जी दवाई नाल कबूतर उड़ाए हुए उस्ताद जो जी की खुराक नाल कबूतर संभाले उन्होंने बिल्कुल सानू संभालना पैंदा जी ना कभी मैं संभाले ना मगर मैं लोड़ पई कभी। अच्छी पिछले 20 साल 11 कबूतर उड़ाए ने, मैं 11 बाजियां उड़ाना 20 साल तो 15 साल तो पिंडी च मैं कबूतर कभी नहीं संभालने पे। मेरे को उड़ाए कबूतर अल्लाह की रहमत नाल मैं कबूतर बहुत ज़्यादा असी खुआ पिया के कबूतर उड़ाने हैं, मतलब कि ताकत बहुत ज़्यादा देनिया पसंद करते हैं तो बड़े पैसे ला के कबूतर दें तैयारी तो वो फिर कबूतर थकता नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत। ठीक हो गया। फिर भी अगर कबूतर फिर भी किसी कबूतर बाद अगर कोई टोटके चाहिए ने मेरे को मैं दसना भाई ने पूछ लिया तो मैं दसना चाहना तो चलो आए कबूतर टोटके ला सकता है। 4-5 तरीके कार कबूतर आके कर सकते हो। अगर जे तुहानू कोई ठंडा किसी भी उस्ताद ने तुहानू कोई ठंडा काम सिखाया ठंडा पानी बनाना तो तुम कबूतर आंदे ठंडा पानी दे दो पहले दी गल किसी भी तरीके जिहड़ा भी तुहानू बनाना आंदा पानी किसी भी चीज़ का ठंडा पानी जिस तरह भी बनाते हो वह दे दो भी कबूतर जल्दी सही हो जाता क्योंकि जो कबूतर उड़ के आया होंगे वह चारों तबक रोशन होए होंगे ने उसकी गर्मी सारी जिसम च हीट हुई होंगी असं उसकी हीट सही करना होंगे वे दृक्ष इस्तेमाल कर सकते हो रिमिच इस्तेमाल कर सकते हो और PTL एड इस्तेमाल कर सकते हो और जो तुम ए ग्लूकोज इस्तेमाल कर सकते हो और फिर देसी दवाइया भी पानी के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी गल दसागा जोड़ा कबूतर बाद पाकिस्तान शहर का हो यूरप का हो जो मेरे को कबूतर बाज सीखेगा इन शाला तला 5 दिन पाक दे सदगी मेरा ऐलान उन्होंने कबूतर संभालने की लड़ नहीं पेगी। वाह सही। लास्ट की पैगाम देना चाहोगे कबूतर बाद? सारे कबूतर बाद आपस सारे रात बह के चाह पिया करो आपस जफियां पाया करो बाजिया ना लाया करो बहुतियां पैसों दियाँ शौक रोजाना उड़ो आपस पर थोड़े थोड़े पैसे लाया करो कोई एवं 100 की ला ली 500 की ला ली 1000 रुपये की बाजी जुआ है भाई इन्हें खेडिया करो तो सारे एक दूसरे का जो कबूतर फड़न वाले जरात ने उन्होंने बेजोर रिपैक्ट हैगी है कि वह भाई कबूतर रिक्वेस्ट है कि सारे का कबूतर देन कर चाहे पैसा दे कर मेरे कहने से दे दया करो मेरा तो तुम देंदे नहीं चलो किसी का दे दया करो ताकि मेहरबानी है पैसों का दे दया करो मेरा नहीं देना ना दो मैं तो दलेर कबूतर बाद मैं कहना चलो यार सवेरे भी चले जाना इन्हें पहले भी चले जाना कोई गल। सही गल है। तो उस्ताद जी तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसीं इह सानूं टाइम दिता मौका दिता कि तुहाडे कोल हाजिर होईए। फिर मेरी आखिरी गल है बिगड़े सारे कम बणांदा अल्लाह जे
ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ?